छह ब्यूटीफुल हदीस। अल्लाह की जात पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। किसी का राज तलाश मत करो, अगर मालूम हो जाए तो फैलाओ नहीं। कोई भी मुसीबत पड़ने पर मौत की तमन्ना ना करो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उनके बुरे दोस्त हैं। किसी को खुश करने नेकी है। अल्लाह उस शख्स को आबाद करता है जो हदीस सुन के दूसरों तक पहुँचाए। अगर ये दुआ आगे फॉरवर्ड ना करो तो वापस मुझे सेंड कर देना। प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नती है जो रात को सोने से पहले सबको माफ करके सोए। और आप सल्लम ने यह भी फरमाया, जिसने भी मेरी इस हदीस को सुना और दूसरों तक पहुँचाया, क्यामत के दिन उसके लिए मेरे शफाए वाजिब होगी। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। गुस्से से बचो क्योंकि वही पागलपन से शुरू होता है और पछतावे पे खत्म होता है। तन्हाई में अपनी सोच पर और महफिल में अपनी जुबान पर काबू रखो। अल्लाह का जिक्र अपने हाथ की उंगलियों में किया करो, क्योंकि जब आप अपनी कब्र के अंधेरे में रहोगे तो ये उंगलियां रोशनी का काम करेंगी। यकीन और दुआ नजर नहीं आते, मगर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। इंसान अगर 60 साल जीता है तो 31,53,06,000 मिनट जीता है, और इनमें से अल्लाह सिर्फ नमाज के लिए 5,47,500 मिनट यानी के 60 साल में से सिर्फ एक साल एक महीना मांगता है, और हम दे भी नहीं सकते। ताज्जुब की बात है, नमाज को मिस ना करो। जब भी अपनों के हाथ बैठो, जब भी अपनों के साथ बैठो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हात को तरसते हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहो जब तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि मरे हुए लोगों से पूछो जिंदगी की कीमत। दोस्तों की खुशी के लिए तो बहुत से मैसेज किए जाते हैं, देखते हैं अल्लाह के शुक्र के ये मैसेज कितने लोग फॉरवर्ड करते हैं। इस्लाम इज अ स्कूल, दीन इज अ क्लास, दुनिया इज अ कैंपस, वी आर द स्टूडेंट, कुरान इज सिलेबस, रमजान इज टेस्ट, नमाज इज प्रैक्टिकल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ टीचर, अल्लाह इज एग्जामिनर, एंड कयामत इज द डेट ऑफ रिजल्ट। सो ट्राई टू गेट द फर्स्ट पोजिशन इन दिस रिजल्ट। प्लीज डू नॉट स्टॉप फॉरवर्ड टू ऑल मुस्लिम। अल्लाह की कुदरत को देखो, पानी आसमान की तरफ उठे तो भाप, आसमान से नीचे गिरे तो बारिश, जम के गिरे तो ओले, गिरकर जमे तो बर्फ, फूल की पत्ती पे गिरे तो शबनम, पत्ती से निकले तो अर्क, जमा हो जाए तो झील, बहने लगे तो नदी, आंखों से निकले तो आंसू, जिस्म से निकले तो पसीना, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकले तो आबे जमजम, और हमारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकले तो आबे कौसर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ना जाने जिसे उसी रब जानता है। राज को राज न समझो, वो सब जानता है। अगर मांगना है तो उस रब से मांगो, क्योंकि जुबान पे आने से पहले वो दुआ की वजह जानता है। सुभान अल्लाह। एक दिलचस्प हकीकत, जब नेकी की जाए तो राइट फरिश्ता लिखता है, और जब बुराई की जाए तो लेफ्ट फरिश्ता लिखता है। क्या मजीद पोस्टिंग के लिए आप हमारा पेज ब्यूटिस्तान लाइक करते रहिए। वो अमाले दुरूद शरीफ का कसरत से पढ़ना। राइट फरिश्ता 10 नेकियां लिखता है, उल्टे हाथ का फरिश्ता 10 गुना मिटाता है, और अल्लाह 10 दर्जात बुलंद करता है। सुभान अल्लाह। आप इस मैसेज को अपने लिए सदका जारिया बनाएं और दोस्तों तक पहुंचाएं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पहले सेंड कर दो, क्योंकि जब तक कोई ये मैसेज पढ़ता रहेगा जन्नत में आपका नाम का पेड़ लगता रहेगा। प्लीज